नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत अखिलेश यादव से। जी, ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सीधे सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में हल्ला मचा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। दरअसल अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ये कहा कि भाई जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला उठा है, ये सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है। यानी कि वो बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग मिलकर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। दरअसल जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया और देखिए कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि जो मस्जिद को लेकर जो सर्वे होगा, जो सर्वे हुआ है उसमें अगर किसी ने अड़चन डालने की कोशिश की या सरकार ने पहले कहा है कि कोई विवादास्पद बयान देने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया है, सीधे तौर पर वो मुसलमानों को लेकर जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी जेल की सजा हो सकती है, उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। क्योंकि देश में जो सांप्रदायिक माहौल को खराब करेगा और योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल को खराब करेगा उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात है वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल शांतिपूर्ण तो बने हुए, लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि विवादास्पद बयान देने के बाद अखिलेश यादव पर लगातार बीजेपी नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।